नमस्ते, मैं हूं विक्रांत सिंह और आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि मैं इस वक्त उत्तराखंड में हूं। बहुत ही खूबसूरत मौसम है यहां पे और हम जिस फिल्म का शूट कर रहे हैं उसका नाम है अजनबी और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं हमारे फेवरेट एक्टर डायरेक्टर अवधेश मिश्रा जी और बहुत ही प्यारी टीम है, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है ये और मुझे ऐसा लगता है कि लोग इस फिल्म को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। रीज़न ये है कि एक हॉरर फिल्म है और बहुत ही मतलब मैं बोल सकता हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे सीन्स इसमें ऐसे हैं कि जो आप लोगों को सीरियसली डरा सकते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने हॉलीवुड की फिल्में देखी होंगी और बॉलीवुड की फिल्में देखी होंगी लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म को आप लोग ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही ख़तरनाक मूवी है बन रही है और मैं चाहूँगा कि आप देखिए और प्यार दीजिए और आगे भी हम लोग इसी तरीके से काम करते रहें। धन्यवाद जी। हाँ, मुझे लगता है कि 2-3 साल से मैं भोजपुरी इंडस्ट्री से थोड़ा सा दूर रहा हूँ बट रीज़न बिहाइंड कि अच्छे सब्जेक्ट नहीं और अच्छी मतलब भेड़ चाल वाली बात मैं बोल सकता हूँ कि आप बोलने की ज़रूरत नहीं है, लोग जानते भी हैं और मुझे हमेशा अच्छे कॉन्सेप्ट की मतलब मुझे वेट रहता है, इंतज़ार रहता है और जैसे मुझे ऑफ़र आया मैं तुरंत ऑन हो गया काम करने के लिए और मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से भोजपुरी का इस वक्त दौर चल रहा है और ऐसे चलता रहे तो 110% मैं भी व्यस्त रहूँगा और मुझे लग रहा है ये बात मैं बोलना चाहूँगा कि बहुत ही लोग इस वक्त जो कॉन्सेप्ट तैयार कर रहे हैं और एक अच्छे बजट में वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है इस वक्त और ये दौर अगर चलेगा तो आने वाला समय जो है भोजपुरी का ही होने वाला है। धन्यवाद। इस फिल्म में देखा जाए तो मैं एक पॉजिटिव मेन पॉजिटिव भूमिका में हूँ, आप इसको कह सकते हैं लीड, मेन लीड कह सकते हैं। तो इसमें मैं हूँ और मेरे ऑपोजिट में अवंतिका यादव जी हैं और एक और है मेरे साथ, मेरे को एक्टर हैं जो कि विक्रांत सिंह जी हैं, उनके साथ भी एक हीरोइन है पूजा भंडारी जो कि यहाँ की बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं। तो मेरा रोल बहुत पॉजिटिव है, जो हम लोग एक अपनी ग्रुप के साथ घूमने आते हैं पहाड़ में और यहाँ के फंस जाते हैं। तो ये कहानी है इस फिल्म की, साथ में हमारे एक बहुत अच्छे मित्र कॉमेडियन मटरो जी भी हैं हमारे साथ में। तो ये हमारी टीम है इस फिल्म में, बस ये करेक्टर है कि करेक्टर पूरा बता नहीं चाहता, बस ये कहूँगा एक हीरो वाला करेक्टर है। देखिए बहुत खुशी हो रही है और मैं कहूँगा रंजन जी कि मैं बहुत खुशकिस्मत अपने आप को मानता हूँ, बहुत ही कहता हूँ कि भगवान के एक मेरे ऊपर शायद आशीर्वाद है जो मुझे अवधेश जी मिल गए थे और मैंने हेंचमैन जो शुरुआत करी थी, छोटे छोटे रोल से शुरुआत करी थी और आज मैं हीरो तक पहुंचा, विलेन करके 3 विलेन के लिए अवार्ड भी मिला है मुझे, बेस्ट विलेन अवार्ड, और मैं आज पॉजिटिव रोल्स भी कर रहा हूं। तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर शायद अवधेश जी को कुछ दिखा होगा जिसकी वजह से मुझे वो इस फिल्म में हीरो भी लिया है उन्होंने। तो मुझे लगता है कि अवधेश जी मेरे जिस तरह से मेंटर हैं, जिस तरह से मेरे गॉडफादर हैं और उनको मेरे अंदर कुछ खूबियाँ दिखती जो किसी और को नहीं दिखी। तो मुझे इस बात की यह है कि जो अवधेश जी मेरे पर बिलीव करते हैं उस बिलीव पर मैं हमेशा खरा उतरूं, यही मैं चाहता हूं और इस फिल्म में भी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूं। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।